हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। इस कहानी का नाम है भीमा गधा। आप ये चित्र देख रहे हैं ना, इस चित्र में जो ये जानवर बना है ये है गधा, जिसका नाम है भीमा। आपने कभी कोई जानवर देखा है? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, गधा भी देखा है। हाँ, तो ये एक कहानी है गधे की। ये कहानी लिखी गई है किरण कस्तूरिया के द्वारा, और जो चित्र बनाए गए हैं वो हैं श्वेता मोहपात्रा के द्वारा। भीमा रामू धोबी का गधा है। उसकी परेशानी यह है कि उसकी नींद नहीं खुलती, इसलिए उसे डांट सुननी पड़ती है। भीमा को जब वो नहीं उठता तो उसको डांट सुननी पड़ती है, इसी वजह से वो परेशान है। क्या आपको भी सुबह सुबह जब हम नहीं उठते तो डांट सुनने को पड़ती है? वैसे ही भीमे को भी पड़ा। एक दिन पड़ोस की गाय गौरी ने पूछा, भीमा तो उदास क्यों है? भीमा बोला, मेरी नींद नहीं खुलती, तू मुझे जगा देगी? ठीक है, गौरी बोली। दूसरे दिन गौरी मो मो रंभाती रही, पर भीमा नहीं जागा। दूसरे दिन वो तब भी नहीं जागा। शाम को भीमा घाट से लौटा, मोती कुत्ता वहां आया। मोती, मेरी नींद नहीं खुलती, तू मुझे जगा देगा? हाँ हाँ मोती बोला। अगले दिन मोती भौ भौ भौंकता रहा, पर भीमा की नींद नहीं खुली। अब मोती भी आया, मोती एक कुत्ता है, उसने भी कोशिश की पर भीमा की नींद नहीं खुली। उस शाम भीमा चीनू मुर्गे से मिला। चीनू, तुम्हारी आवाज़ से तो सभी हर सुबह जाग जाते हैं, क्या तुम मुझे भी जगा दोगे? ठीक है, चीनू बोला। अगली सुबह कुकड़ुकू कुकड़ुकू कर चीनू जोर से बांग लगाता रहा, मगर भीमा पर कोई असर ना हुआ। भीमा तब भी नहीं जगा। शाम को भीमा ने कालू कोए को कांव कांव करते देखा। भया कौआ, तुम मुझे सुबह जगा दोगे? हाँ हाँ जरूर, कालू बोला। अगले दिन कालू काऊ काऊ करता रहा, पर भीमा नहीं जागा। अब तक तीन जानवरों से और पक्षी से भीमा बोल चुका है कि वो उसे जगाए, पर कोई भी नहीं जगा पाता। अब तो भीमा निराश हो गया। अगले दिन सुबह सुबह एक मक्खी उसकी नाक में जा बैठी। आ आ ची, ऐसा होते ही भीमा की नींद खुल गई। अभी तक कोई भी जानवर, पहले गाय, फिर कुत्ता, फिर मुर्गा, फिर कौआ, कोई नहीं जगा पाया, पर एक मक्खी ने उसकी नींद खोल दी। अरे, मैं कैसे जग गया? मैंने जगाया। उसके सर पर बैठी मक्खी बोली, सच? मुझे रोज जगा दोगी? ठीक है। अब भीमा खुश था, यह तरकीब काम आई। तो किसी
के भी ना जागाने पर सबने बहुत कोशिश की, पर भीमा को जगा नहीं पाए। मक्खी ने क्या किया जिसे भीमा जाग गया? हाँ, उसकी नाक के अंदर चली गई वो। तो कहानी में सबसे पहले मदद के लिए कौन आता है? हाँ, गौरी गाय। क्या वो जगा पाती है? नहीं जगा पाती। फिर कौन आता है? मोती कुत्ता। क्या मोती कुत्ता जगा पाता है? नहीं जगा पाता। फिर कौन आता है? फिर मदद के लिए आता है, हाँ, उड़ने वाला कोई, आवाज़ जिसकी तेज होती है, मुर्गा, चीनू मुर्गा। क्या वो जगा पाता है? नहीं जगा पाता। फिर कौन आता है? फिर मदद के लिए आता है एक और चिड़िया, हाँ, कोआ, या हम इसको कौआ भी बोलते हैं। तो क्या कौआ जगा पाता है? वो भी कोशिश करता है पर नहीं जगा पाता। आखिरी में फिर कौन होता है जो अचानक से उसकी नाक के अंदर चला जाता है भीमा की, और वो जाग जाता है? वो कौन होता है? वो होती है मक्खी। अब आपको एक काम करना है, आपको जो भी जानवर भीमा की मदद करते हैं, कुत्ता, गाय, कौवा और मुर्गा और मक्खी, इन सब की अपनी अपनी आवाज़ें होती हैं, सबकी अपनी आवाज़ होती है ना, तो आपको वो आवाज़ निकालनी है हर जानवर की जो भी मदद करते हैं भीमा की, और फिर ग्रुप पर भेजनी है। तो सभी माँ बाप को ये बच्चों से बनवाना है। थैंक यू।